नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, कभी कभी हम सबके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आती हैं कि सब कुछ होते हुए भी हमें बरकत नहीं होती है, लक्ष्मी का स्थाई वास हमारे घर में नहीं हो पाता है। जो हम अपने जीवन में रोज़मर्रा में कुछ छोटी छोटी इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण से हम कई बार जो है आर्थिक परेशानी में पड़ जाते हैं। तो आज हम आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए जा रहे हैं, उन चीज़ों को आप यदि अपने जीवन में ध्यान देंगे कि आप इस प्रकार की गलती तो नहीं कर रहे हैं, और यदि आप उन गलतियों को कर रहे हैं तो उनमें यदि आप सुधार कर लेंगे तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी का जो है आपके घर में स्थायी वास होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है या माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करता है, गुरुजन का अपमान करता, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए आपको चाहिए कि जब आप प्रातःकाल उठते हैं तो सर्वप्रथम आप पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करें, और उसके पश्चात में पूजन आदि करने के पश्चात में गुरु और माता पिता का जो व्यक्ति नित्य आशीर्वाद लेता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दरिद्रता नहीं रहती, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। जब आपके घर में खाना बनता है तो पहली जो रोटी है वो आपको एक भाग निकाल करके रखना चाहिए, पहला भाग जो है आपको भगवान के लिए भोग में लगाना चाहिए, और दूसरा भाग जो है आपको नित्य एक रोटी जो है आपको गाय को गुड़ के साथ में देना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होगा उस घर में लक्ष्मी जो है वो स्थायी वास करती है, इस चीज़ का लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जिस घर में माताएं बहनें शाम को कई घरों में होता है कि आटा गूंज लेते हैं और उसके पश्चात जब देखा कि नहीं उतने लोग खाने के लिए नहीं है तो आटा जो है फ्रिज में रख देते हैं, तो इस प्रकार की गलतियाँ जिस घर में होती हैं उस घर में लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता है। यदि आप माँ लक्ष्मी की साधना करते तो उनके साथ साथ में आपको जो है भगवान विष्णु की भी आपको साधना करना चाहिए, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी वहीं रहेगी जहाँ पर भगवान विष्णु रहेंगे, तो दोनों की आपको एक साथ पूजन करना चाहिए तो आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। शाम के समय जो है भोजन नहीं करना चाहिए, यदि आप शाम के समय सूर्य अस्त के समय जो व्यक्ति भोजन करता है या घर में झाड़ू लगाता है, ऐसे घर में जो है इस लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता है। शाम के समय किसी भी अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति को नमक दान नहीं करना चाहिए, यदि आप उस समय नमक दान करते हैं तो स्थायी लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है। तो मित्रों, ये चीज़ें यदि आप अपने जीवन में गलतियाँ कर रहे हैं तो फिर आपको इन गलतियों में सुधार करना चाहिए, और यदि आप इन गलतियों में सुधार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 100% आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, किसी प्रकार की कोई भी आपके घर में दरिद्रता नहीं रहेगी। और यदि आप इसका उल्टा करेंगे, इन चीज़ों का यदि आप घर में इनका जो है अपमान करेंगे, स्त्रियों का अपमान करेंगे, माता पिता बड़े बुजुर्गों का अपमान करेंगे, या फिर आप जो है शाम के समय भोजन करेंगे, शाम के समय झाड़ू लगाएंगे या आटा जो है गूंथ करके फ्रिज में रख देंगे, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी कभी भी नहीं होगी। आप कितने भी बड़े आदमी हो जाएं लेकिन आपके घर में जो है लक्ष्मी धीरे धीरे
खत्म होते हुए चली जाएगी। जो लोग नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, उनको चाहिए कि जब वो लौटते हैं तो लौटते समय कुछ ना कुछ जो है खाने की सामग्री ज़रूर अपने बच्चों को या अपने परिवार को, लोगों को लेने चाहिए। भली आप चॉकलेट लेकर के आएँ, यदि आपकी ज़्यादा पैसे खर्च करने की स्थिति नहीं है तो आप भली चॉकलेट लेकर के जाएँ, लेकिन खाली हाथ नहीं आने चाहिए। क्योंकि दिन भर जो व्यक्ति आपके घर में इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि आप कुछ उनके लिए लेकर के आएँ, तो वो जो आपके इंतज़ार करते रहते हैं तो उनके लिए यदि आप कुछ भेंट ला करके देते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। आप जो भी कमा करके लाते हैं, जब आपको सैलरी मिलती है, आप अपने व्यापार में प्रतिदिन जो राशि कमा करके लाते हैं उसको अपने घर में किसी बुज़ुर्ग महिला के हाथ में देना चाहिए, या कोई बुज़ुर्ग महिला नहीं है, यदि आपकी माँ नहीं है तो फिर आप जो है अपनी पत्नी को दे सकते हैं, अपनी पत्नी को दे देना चाहिए और उसको ले जा करके उनको पूजा स्थली पर रख देना चाहिए। दूसरे दिन फिर जो है आप खर्चे के रूप में उनसे यदि आप उस धनराशि को लेंगे तो आपके घर में बरकत होगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। अन्यथा ऐसे घरों में जो इन चीज़ों का अपमान करते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो निश्चित रूप से दरिद्रता से ग्रसित रहते हैं और उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का अभाव रहता है। तो मित्र, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन्हें आपको चलते फिरते अपने जीवन में सुधार लेने चाहिए, और यदि आप इनमें सुधार कर लेते हैं तो फिर आपके घर में माँ लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी। आशा मित्रों, ये छोटी सी जानकारी हमने आपको दी, आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें, नमस्कार, ओम शांति।